दिस लुक इज ओके। मैम क्या कहेंगे शो का हिस्सा बनके कैसा लग रहा है और जितने भी कलाकार हैं और बेसिकली क्या दिखाने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से? शो का हिस्सा आप ये देख रहे हैं पोस्टर, आई थिंक कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम सब लोग इतने ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि एक स्टारप्लस चैनल, इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस और जो टीम है एंड स्टोरी सो ग्रिपिंग, मतलब आई थिंक हम लोग और कुछ मांग ही नहीं सकते। हम लोग सब बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत खुश हैं और जितना भी हमने अभी तक शूट किया है, हमारी स्टोरी इतनी ग्रिपिंग है कि सब लोग ना अभी कॉन्फिडेंट हैं कि शो हमारा रॉक करने वाला है। सो हैप्पी। शो एंटरटेनमेंट के साथ एडुकेटमेंट भी होना जरूरी होता है, तो ये कितना एडुकेट करेगा? क्या ऐसा चीज़ है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है शो के माध्यम से? व्हाट इज द सब्जेक्ट व्हिच यू थिंक? द मेन सब्जेक्ट इज़ कि लड़कियाँ कुछ करना चाहती हैं लाइफ में और वो तीनों ही दिखा रही हैं। जैसे जो मेरी बड़ी बहन है वो भी बता रही हैं कि उनको अपनी लाइफ में कुछ करना है। ऑल्सो मी बींग एक रेसलर है, रेसलर की स्टोरी है, सो बींग रेसलर वो भी कुछ करना चाहती है। उसमें जो सीरत का कैरेक्टर है वो भी अपनी लाइफ में एम्बिशियस है, शी ऑल्सो वॉन्ट्स अ बिग हाउस एंड शी इज़ अ इनोसेंट ऑल्सो। शी इज़ समबडी जो इनोसेंस के साथ भी दे शी हैज़ समथिंग, उनका भी एक पॉइंट है कि मुझे इसकी वजह से यहाँ पर ये जाना है। तो वो आपको स्टोरी देखेंगे जब तब पता चलेगा, बट ये एक एडुकेटिंग पॉइंट है जहाँ पे लड़कियाँ आज के ज़माने में हर लड़की कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती है। सो इस शो के ज़रिए दिल गेट टू नो कि कैसे लड़कियाँ अपनी फैमिली में रह के, एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे का पावर बन के अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हैं। सो बींग कीरत के लिए जो उसकी दोनों बड़ी बहनें, दोनों द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम दे आर। साहिबा शी इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, वो अपनी बहन को आइडियल समझती है, उन्हीं के जैसे बनना चाहती है, बचपन से उन्हीं को देखती हुई आई है। एंड ऑफ स्क्रीन में बताऊँ तो ऑफ स्क्रीन भी हमारी केमिस्ट्री कुछ ऐसी ही है, वी एक्चुअली बिलीव कि वी आर लाइक सोल सिस्टर्स। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, बट जब हम मिले तो हमारी जो बॉन्डिंग है, जो हमारा बात करने और कनेक्टेड लाइक दिस कि यार या हमारी हरकतें, हमारी चीज़ों पे पसंद, हम बहुत सेम हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच मेक्स अस सिस्टर्स ऑफ स्क्रीन ऑल्सो। आई थिंक जिस तरीके से शो में दिखाया गया है, कहीं ना कहीं जो मुंडों की क्वालिटीज पे चला गया है और साथ में थोड़ी की क्वालिटीज अलग है। आप किस तरीके की क्वालिटीज देखती है जब अगर मुंडों को चूज करने की अगर बात आती है, लड़कों को अगर चूज करने की, आप तीनों की क्या? For Seerat you're asking or for me personally you're asking? No, she's asking generally. In general. In general you're saying? I think for the character you're asking. Yeah, this show. Okay, yeah. Seerat ka jo goal hai wo bahut hi clear hai. Usko lagta hai ki ladka ameer hona chahiye. Theek hai, ameer hona chahiye kyunki agar paisa hai to life bahut सिंपल हो जाती है और अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसने हमेशा से अपनी लाइफ में देखा है उसके फादर जो हैं बहुत हार्ड वर्किंग हैं, कुक हैं वो, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद भी जो उनकी जो लाइफस्टाइल है ना वो एक ही तरीके से रही है। इनफैक्ट उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं उनके बिहेवियर की वजह से, उनका हार्डवर्क नेचर होने की वजह से, तो वो नहीं चाहती है कि मैं दोबारा वो सब चीज़ें फेस करूँ। तो क्लियर है कि हार्डवर्क के अलावा भी बहुत सारी वेज होती हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तो वो हमेशा वो सब चीज़ें ढूंढती रहती है, वो आइडियाज़ सोचती रहती है कि कैसे क्या करना है, और भले उसका तरीका गलत हो लेकिन वो चाहती है कि उसकी फैमिली अच्छे से रहे, खुश रहे, सब लोग मतलब सबकी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो सब ना रहे। आई थिंक जो साहिबा का कैरेक्टर है वो पैसों के पीछे है ही नहीं, जैसे हमें ब्रार्स दिखाए गए हैं कि वो फुली लोडेड है विद मनी। साहिबा अपनी मेहनत पर बिलीव करती है, शी हैज़ गॉन टू हिज फादर, तो वो जैसे उसके पापा बहुत मेहनत करते आए हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं, ही वॉज एन आर्टिस्ट, तो उसको लगता है कि मैं मेहनत कर करके अपने परिवार को उस मुकाम तक लेकर जाऊँ। वो पैसे वालों से नफरत करती है जो अकड़ दिखाते हैं, बट वैसे पैसे से नफरत नहीं करती, वो कमाना चाहती है, सबके सपने पूरे करना चाहती है। सो या कीरत डजंट वॉन्ट टू गेट मैरिड एट ऑल, वो कभी शादी करना ही नहीं चाहती है, और उसका जो सपना है वो है रेसलिंग चैम्पियन बनना, नेशनल लेवल रेसलिंग चैम्पियन बनना चाहती है वो, और एस्पायरिंग रेसलर है वो। तो अभी शी इज़ ऑल्सो बिट कन्फ्यूज
कि बीइंग अ गर्ल उसकी मम्मी चाहती है कि वो घर के काम करे, दूसरी दो जो बहनें हैं उसकी आइडियल्स हैं उनकी जैसी रहे, सजे सवरे अच्छे से रहे, बट इवन बीइंग अ प्रिटी गर्ल उसका जो सपना है वो कुछ और है और वो उसी पे अड़ी हुई है, उसी के लिए फ़ाइट करती है और उसमें जो उसकी हेल्प करती है वो उसकी बड़ी बहन है जो पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करती है और उसकी जो ताईजी है वो सपोर्ट करती है कि जो वो करना चाहती है उसको वो करने दिया जाए। साथ ही अगर आप तीनों से पूछा जाए आपको आपका किरदार कितना पसंद आया, स्पेशली विद द लुक, वाज इट इजी, वाज इट हार्ड फॉर यू एंड लैंग्वेज? आई थिंक रियल लाइफ में भी जो हिमांशी है शी इज़ वेरी सिंपल, मुझे घर में रहना ही बहुत पसंद रहता है, बट हाँ रियल लाइफ में मैं बहुत बोरिंग भी हूँ। रियल लाइफ साहिबा इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल एज वी ऑल नो, उसका अटायर भी काफ़ी सिंपल है, तो हाँ बस वो बोरिंग नहीं है, तो वो बहुत शी इज़ सो टैलेंटेड कि उसके घर में आप जाओगे आप देखोगे इतनी डेकोरेशंस है जो उसने हैंडमेड खुद बनाई हुई है एंड या मैंने मुझे पंजाबी कल्चर बहुत पसंद है, मैं पंजाबी हूँ नहीं बट मुझे कल्चर बहुत पसंद है, तो मैं हम सूट्स खरीदते हैं, हैवी सूट्स खरीदते हैं ओकेजनली पहनने के लिए, बट हमें यहाँ सूट्स दिया गया है एकदम सिंपल एंड जैसे डेली लाइफ में पंजाबी लोग पहनते हैं, तो इट्स वेरी नाइस, वी आर लविंग द अटायर्स। आई एम लविंग माई अटायर, इट्स सो कम्फी। द बेस्ट पार्ट कि अगर आप सीरियल कर रहे हो तो यू हैव टू बी डेक्ड अप ऑल द टाइम, एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि पूरे टाइम आप सलवार सूट में हो या साड़ी में हो या आपको हैवी मेकअप, बट जब मेरे क्रिएटिव्स मेरे पास आए एंड दे वर लाइक कि सुनो तुम्हें है ना मेकअप नहीं करना है और बहुत सिंपल से कपड़े हैं, तो आर यू कंफर्टेबल विद दैट? सो आई वाज लाइक आई एम रियल कंफर्टेबल विद दैट, आप बोलो क्या पहनना है। एंड कैरेक्टर के लिए जो प्रिपरेशन उन्होंने मुझे कराई, सो मैं रियल में अखाड़े में गई थी और वो लाल मिट्टी के साथ खेलना और इतने सारे लड़कों के बीच में और ऐसे जाना, और इट वॉज़ सो गुड, इट वॉज़ एम्पावरिंग, मज़ा आया वहाँ जाके, एंड आई एम सो सो थैंकफुल कि मेरे क्रिएटिव्स ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं वहाँ जाके और वो जो जैसे वो जीते हैं, इट्स सो टफ जैसे लड़के करते हैं, एंड बीइंग अ गर्ल अगर आप ये चाहते हो सो इट्स एक्चुअली कि आपको जाके देखना और वो करना सब समझ में आता है कि यार हाउ टफ इट इज़ फॉर अ गर्ल टू डू दिस। सो नो डाउट इट्स अ fabulous opportunity for me to learn all of it and I'm just loving it, my attire, my look, my hair, I'm enjoying it. Lady Sultan आई थिंक हम सभी के कैरेक्टर्स को लेकर बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, जैसे अगर आप नोटिस करेंगे ये तो खैर है ही रेसलर, हम लोग जो सब हैं हमारे बाल बहुत लंबे लंबे बाल हैं, ब्रेड्स हैं और जैसे हाँ झुमके हैं, तो वो पंजाबी जो टच है वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया गया है। जैसे साहिबा ने जूतियाँ पहनी हैं तो मेरे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा सा हील दिया हुआ है, और फेस पे भी आप देखेंगे हम लोगों को सबको मतलब बहुत डीपली इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए पटियाला सूट दिया हुआ है, तो बहुत लुक पे मेहनत की गई है जो कि आपको ऑन स्क्रीन दिखेगी भी एकदम क्लियरली। रही बात एक्सेंट की, तो हमें डिक्शन की भी ट्रेनिंग दी गई है, जब आप डायलॉग सुनेंगे और शोज़ देखेंगे हमारा आगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही पंजाबी टच है उसमें, और हर किसी को एक पंजाब से और उसकी भाषा से आई थिंक एक अलग तरह का लगाव होता है जो कि हम सबको भी बहुत है, और वो हमें करने में इंजॉय भी हो रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है वो सब करने में। आखिरी जी आपसे पूछेंगे, एक कहावत है जहाँ चाह वहाँ रहा, इन सिक्स ईयर यू थॉट कि यू वांट टू कम स्टार प्लस एंड यू गॉट, या इट्स अ ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट है मेरे लिए, तो एज यू कैन सी आई एम ऑन द पोस्टर, ये मेरा फर्स्ट सीरियल है। Was it easy for you? To be honest, touchwood, but बॉम्बे मेरे लिए हमेशा एक माँ की तरह रहा है और इसने मुझे माँ की तरह ही ट्रीट किया है। मैं बॉम्बे, अब वो अलग स्टोरी है, वी शुड नॉट गो ऑन दैट, बट ये मेरा पहला शो है एंड आई एम सो 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 थैंकफुल दैट आई गॉट स्टार प्लस। मेरी नानी कहा करती थी मुझे जब मैं 6 साल की थी कि बेटा एक दिन तू टीवी पे आ जा, मुझे तुझे टीवी पे देखना है, सो इट्स हर ब्लेसिंग आई गेस जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, एंड माई मॉम ऑफकोर्स आई लव हर, एंड उनकी वजह से आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ऑफकोर्स स्टार प्लस, थैंक यू स्टार प्लस, थैंक यू, द प्रोडक्शन हाउस इज़ वेरी गुड, रॉको एंड छाइका, वी आर सो थैंकफुल टू यू गाइज, बिकॉज उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि हम जैसे कैरेक्टर्स जैसे उन्होंने बिल्ड किए हैं, डिज़ाइन किए हैं, छोटी छोटी डिटेलिंग्स पर जिसपे काम किया है, जैसे छोटे छोटे शहरों से सब अपने सपने लेके आते हैं और कुछ करना चाहते हैं बॉम्बे आके,
ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है जो बहुत छोटी उम्र से एक सपना देख के आ रहे होते हैं और फिर उनके पास वो सपना होता है हाथ में, तो आज वो जीना है मेरे लिए, मतलब आई एम लिविंग इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल. मैं ज़्यादा ऐसे बोलती तो बोलती ही जाऊँगी, बट हाँ दिल में एक वो सुकून है कि जब मेरी नानी माँ देखेंगी, इट्स रतलाम, नियर बाय रतलाम देर इज़ अ विलेज, सो वेन शी विल वॉच इट फ्रॉम देयर शी विल बी वेरी हैप्पी एंड शी विल बी वेरी प्राउड दैट शी डिड इट. सरप्राइजेस तो हमारी स्टोरी देगी. हमने सुन के जो हमको गूज़बम्स आते थे ना कि इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स कि ऑडियंस पागल हो जाएगी कि क्या डोरियाँ है ये, क्यों है ये जो बनाया ना क्रिस क्रॉस, ये और भी उलझा हुआ है कहानी में. तो वो न्यू ईयर तो स्पेशल होने वाला है हमारे लिए. न्यू ईयर स्पेशल होगा, क्रिसमस पे आप लोग वेट करिए और अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, खूब इंजॉय कीजिए और वेट कीजिए 4 तारीख का और 7 बजे का. जैसे ही 7 बजे ना बस स्टार प्लस खोलना है और बैठ जाना है हमें, हम लोगों को देखने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं. द गुड थिंग इज कि ये स्टार प्लस का पहला पंजाबी शो है. या कॉकरों ने ही कलर्स में पहला पंजाबी शो छोटी सरदारनी था, लकीली सुपर हिट था वो, एंड वी आर होपिंग विद द सेम कि स्टार प्लस पे पहला पंजाबी शो तेरी मेरी डोरिया है. एंड इसीलिए हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हम कुछ भी गलत ना कर दें, पंजाबी कल्चर को बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करें. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके, तो बहुत बारीकियों का ध्यान देते हैं. और ऑल व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज योर लव, योर सपोर्ट. ऑडियंसेस, हम चाहते हैं कि आप हमें देखें, बताएं हम कैसा कर रहे हैं, आपको कितना पसंद आ रहा है और क्या क्या आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, शो कितना पसंद आ रहा है आपको. जस्ट गिव अस योर सपोर्ट एंड लव, दैट्स ऑल वी नीड. थैंक यू सो मच. तेरी मेरी डोरियाँ बेसिकली 3 लड़के हैं 3 लड़कियाँ हैं और कहानी शुरू जब होगी तब बेसिकली जो डोरियाँ हैं वो सीधी सीधी डोरियाँ नहीं है, वो उलझती जाएंगी यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, एंड इट विल बी अ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट टू सी कि किसकी डोरी किसके साथ फिट होती है. वो तो रब के हाथ में, आपने देखा होगा प्रोमोस में बताया हुआ है. वन थिंग्स फॉर श्योर, दिस इज नॉट योर यूजुअल लव स्टोरी, कि पता चल गया कि ये इसके साथ है, जैसे यूजुअल टिपिकल नहीं है, बहुत क्लियर होता है कि ये इसके, इसमें पता भी नहीं चलेगा. एवरी स्टेप देयर विल बी अ ट्विस्ट एंड यू विल बी वेटिंग फॉर समथिंग न्यू. और जहां पर जैसे जैसे हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, बड़ी बात यही है कि इस फैमिली में इतने लोग हैं कि शायद इनकी डोरियां घर में पहले उलझेंगी, उसके बाद दूसरे पार्टी में भी उलझेंगी. और जैसे और डोरियां काटने के लिए तो मैं बैठी हूँ, I'll try my best. जितनी बड़ी ये दिख रही है उतनी बड़ी ये इसमें है, क्योंकि हमेशा बड़ा बंदे पंगे करता है. तो शी इज प्लेइंग माई वाइफ अंशु एंड शी इज प्लेइंग माई सिस्टर मिस वाधवा और कैरेक्टर नेम इज प्रभजोत. तो हम इतनी बड़ी फैमिली हो गई, हमें नाम याद करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी शुरू में, एंड नाउ वी ऑल स्टार्टेड मीटिंग नाइसली नाउ. तो और एक और बहुत प्यारी बात ना कि इसमें इतने सारे बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक साथ, और जैसे बताया था ना कि हम सब अलग अलग स्टेट्स हैं, और मैं भी ऐसी हूँ जो किसी छोटे शहर से आई हूँ सपने लेकर. तो शायका ने और स्टार प्लस ने हम सबको मौका दिया है, तो जान लगा देनी है. और ऑफ कैमरा वी हैव अमेजिंग बॉन्डिंग, सब में बहुत प्यार है ऑफ कैमरा, है ना. ऑन कैमरा तो वो तो स्क्रिप्ट के हिसाब से हम करते रहेंगे, तो इट्स गोना बी अ ब्लास्ट. अच्छा, मैं अकेली हूँ डोरिया तोड़ने वाली, मैं अकेली काफी हूँ, जसलीन अकेली काफी है, सब पे भारी. अभी जितनी स्माइल दिख रही है ना एकदम बहुत ही अमेजिंग, इसका स्ट्रिक्ट कैरेक्टर है. हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम पॉजिटिविटी ला सके और ये यहाँ से पीछे से. मैं तो जोकर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ अपने घर का, बस हंसना है और स्माइल करना और एकदम पॉजिटिव कैरेक्टर. नहीं, इसका कैरेक्टर बहुत क्यूट है बेसिकली, इतने सारे नेगेटिविटी में इतने सारे. हमारी फैमिली ऐसी है, मम्मा पापा मैं और हमारा मेरा बेटा वीर, खुशहाल फैमिली. हाँ. और टचवुड लड़की और मेरे सारे जो बच्चे हैं मैं हूँ, हम सारे जो बैड मतलब का बैड ले रहे हैं. जीवन की जो डोर होती है उसका नाम ही डोर है, तो जब उसके अंदर रिश्ते जुड़ जाते हैं तो वो डोरियां बन जाता है. तो जब आप लाइफ में भी देखेंगे जितने भी रिश्ते होते हैं उसका नाम एक कैसे कहते हैं कि ओदी डोर ओदे नाल बंधी हुई है, ओदी डोर ओदे नाल बंधी हुई है. जिदा साक हुंदा जब शादी होती है तो उसको कहते हैं ओदी डोर ओदे नाल बंधा दो. तो ये जो अब जब 3 हीरो 3 हीरोइन एक साथ आ रहे हैं तो उनकी डोरियां सब जुड़ेंगी, तो कोई काटने वाला तो ऐसे. हाँ, खाली 3 नहीं है, हम भी सब हीरो हीरोइन है.
हम भी सब हीरो हीरोइन, बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं इसके अंदर, बहुत सारे तो मेनली कह सकते हैं ऑडियंस के लिए इतना मसाला है इसमें, क्योंकि इतने लोग हैं, एक मोहल्ला हमारे घर में, जैसे हम कहते हैं ना कि 9 इमोशंस होते हैं ना, ऐसे हंसना रोना, इस टाइप के हर टाइप के कैरेक्टर हर टाइप का इमोशन प्ले कर रहे हैं, बहुत मजा। और वही तो मजा है एंड ऑफ द डे, आपको भी देखने में वही तो मजा आएगा। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख रहे हैं, एक छोटी छोटी खुशियों को कैसे ढूंढा जाता है एक परिवार के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो बुआ हो, बहन हो, चाची हो, मामी हो, ताई हो, सारी चीजें हर रिश्ते की अलग अलग इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि जो किरदार है, जैसे ये काटती हैं रिश्ते, हम जोड़ते हैं, हमारा काम है खुशियाँ फैलाना, पॉजिटिविटी फैलाना। और जब आप पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के अंदर ढूंढ लेते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। एंड सबसे ज्यादा मजा किस चीज़ का आ रहा है कि आई थिंक काफी एक्टर्स है जो पंजाबी रोल करना चाहते थे क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आप जानो जो भी बनी है बेस पे, वो पंजाबी बैकग्राउंड पे बनी है, और कभी सोचा नहीं था कि ये लुक होगा, एक ऐसे लुक में आएंगे सब, अपने पंजाबी के जो कीड़े होते हैं वो कहते निकाल रहे हैं। पंजाब देखो, ये महाराष्ट्रियन है, ये गुजराती है, मैं बनिया हूँ, मतलब ये तो पंजाबी है, मैं तो वही सब है ना, बाय बर्थ, तो हम लोग तो मजे ले रहे हैं, बहुत मजा देख रहे हैं कैसे दोनों की, बट इट इज गुड इन अ वे, क्योंकि नई चीजें एक्सपीरियंस करने मिल रही है और हम कर पा रहे, तो आपको करवा भी पा रहे, सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू एक्सपीरियंस। तो ऑडियंस इसको देखेगी, डेफिनेटली ऑडियंस को मजा आने वाला है, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब सब मिक्स कर दिया है, हर जगह का मसाला, लेकिन वो जो पंजाबी एक टच है फैमिली में, एक रौबदार और एक बहुत ही लेविश दिखाया है, वो फिर मजा आएगा लोगों को देखने में। जैसे कि हम बोलते हैं कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है या करण यशराज की फिल्म है, तो ये हमारे लिए धर्मा यशराज से भी कॉकरोच आई और स्टार प्लस का शो है, सबसे बड़ा रस कहें तो वो हमारा एक जो परिवार का जो प्यार है, उतार चढ़ाव के बावजूद भी ये डोर बंदी रहती है, वो सबसे बड़ी बात है, तभी तो ये तेरी मेरी डोरियां हैं। और ये तेरी मेरी डोरियां के साथ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी डोरियां भी शो देखोगे तो पता चलेगा, बिकॉज सिंपल नॉर्मल तेरी मेरी डोरियों में मजा नहीं आता, वो टेढ़ी मेढ़ी जब होंगी ना मजा तो तब आएगा। और आपने हमारा सेट देखा कितना अमेजिंग है, हमारा घर कितना, हम सभी कॉस्ट्यूम्स इतनी अमेजिंग है, तो के मुझे लगता है कि दो एपिसोड देखना शुरू कर देना कॉस्ट्यूम्स की वजह से लोग देखेंगे, कितने अमेजिंग, एवरीथिंग इज सो ग्रैंड इंक्लूडिंग द कॉस्ट्यूम, द कास्ट ऑफ कोर्स हम ग्रैंड सब कुछ, सेट वगैरह, एवरीथिंग इज सो ग्रैंड। वो आप पहला ही एपिसोड देखोगे, पहली ही झलक में आपको पता चल जाएगा दैट इट इज ओवर द टॉप, एकदम आई कैचर है सब। यस, बिल्कुल, शो आ रहा है 4th of January को 7 PM, सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबको कि प्लीज़ नए साल पे हैप्पी न्यू ईयर पे प्लीज़ हमारा शो देखिए, सब कैलेंडर्स मार्क कर लो, 4th January फोन में अलार्म लगाओ, कैलेंडर फोन फोन पे अलार्म लगाओ, अलार्म सबके फोन में होता है, अलार्म लगाओ, और सिर्फ स्टार प्लस एक दिन का लगाना, क्योंकि पहला एपिसोड देखने के बाद दूसरा आप खुद देखोगे। इसी को कहते हैं नए साल की शुभकामनाएं, नए साल के पहले हफ्ते में 4 तारीख को 7 बजे और 7 बजे सब फ्री, काम वाम से सब फ्री होके बैठ जाओ, हमारा शो देखो, फिर उसके बाद तो आप रोज अपना शेड्यूल वैसे ही बनाओगे। सो तेरी मेरी डोरियां के टीम के तरफ से, तेरी मेरी डोरियां के टीम की तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड लॉट्स ऑफ लव। सुनो लंबी टीआरपी दो, नानक नाम सर्दी कला तेरे पानी सरबत पला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसका जो टाइटल है तेरी मेरी डोरियां, उसी से आप सब लोगों को थोड़ा हिंट मिला होगा कि ये डोरियां रिश्तों की डोरियां हैं ऑब्वियसली, और किसी पर्टिकुलर कपल या किसी पर्टिकुलर भाई बहन या हस्बैंड वाइफ के बीच की नहीं है, ये जितने भी करैक्टर हैं हमारे शो में सबकी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कोई डोरी बंधी हुई है, और ये इतनी कॉम्प्लेक्स है या उलझी हुई कह सकते हो कि बाहर से देखने में लगेगा सब खुश हैं, सब एक बहुत बड़ा परिवार है, आपस में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत है, प्रेम है और सब कुछ है, लेकिन इंटरनली फैमिली के अंदर ही, जैसे कि मेरा मेरे दारजी हैं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी मेरी मम्मी यानी कि मेरी बीजी हैं, हम लोगों का एक आपस में एक रिश्ता है जिसमें कहीं ना कहीं खटास भी है, मिठास भी है, जिसको आप लव हेट रिलेशनशिप कहते हैं, उस तरह का रिलेशनशिप है। जैसे कि मेरे फादर के बीच में देखें अगर, तो हम लोगों का बहुत ही बड़ा बिजनेस है, हमारी फैमिली का डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है लेकिन मैं घर का बड़ा बेटा होने के बावजूद भी मुझे कभी भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं हुआ, मैंने कभी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कभी अपने दारजी की मदद नहीं की,
मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन हॉकी खेलने में होता था और मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहता था और मैं कॉलेज और स्कूल में बहुत अच्छी हॉकी खेलता था, तो मुझे लगता था कि मुझे नेशनल लेवल पर हॉकी खेलने का मौका मिलना चाहिए, जिसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट या इनकरेजमेंट चाहिए। बट तार जी बीइंग अ टिपिकल हेड ऑफ द फैमिली काइंड कि नहीं, हमारी फैमिली का जो बिजनेस है, हमारा बड़ा बेटा उसी को परस्यू करेगा, वो एक थॉट प्रोसेस की वजह से ऐसा हो गया कि उन्होंने मुझे फोर्सफुली बिजनेस में डाला और मैं अधमने मन से कोई फोकस नहीं था मेरा बिजनेस पे और मैं ध्यान नहीं देता था, तो लॉसेस हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो दार जी हमेशा मुझसे गुस्से रहते थे कि तुम ध्यान से क्यों नहीं करते। मैं बोलता था दार जी मेरा इसमें मन नहीं लगता है, मुझे हॉकी खेलनी है, मुझे हॉकी खेलने के लिए आप वो करो। तो एक दिन गुस्से में आके वो मेरी हॉकी तोड़ देते हैं। उस दिन के बाद मैं अपने बाल भी वो कर लेता हूँ, मैं मोना बन जाता हूँ, मैं अपने दार जी के प्रति मेरे दिल में एक 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 नफरत नहीं कहें अगर तो एक होस्टाइल एटीट्यूड आ जाता है। मैं उनके साथ सीधे मुंह बात नहीं करता हूँ, इनफैक्ट जब भी उनका जिक्र होता है, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं उनको दार जी कहने की बजाय मैं उनके नाम से उनको बुलाता हूँ। एक बड़ा बेटा अपने ही पिताजी को नाम से बुलाता है और सबके सामने, उसको शर्म नहीं आती है अपने ही पिताजी को नाम से बुलाने में। तो इस तरह के करेक्टर्स हैं आपस में। मेरा बेटा जो है उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार इज्जत है, लेकिन वो अपने दारजी का चहेता बन गया है क्योंकि वो भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में दारजी की मदद करता है और मैं बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से अलग रहता हूँ। मेरी शुरू से मेंटेलिटी अलग रही है और मैं हमेशा ताना मारते हुए या यू नो तंज मारते हुए बात करूँगा अपने बेटे के साथ भी, हाँ हाँ तुम तो दारजी के ही हो ना चहेते, तो तुम्हें अपने बाप से क्या लेना देना। तो उस तरह का एटीट्यूड मेरा मेरे बेटे के साथ है। पत्नी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दरार है हल्की सी। बाकी जो हमारे फैमिली के बाकी के मेंबर्स हैं, मेरा एक भाई है, एक मेरी बहन है, बहन जो है वो अपनी गेम्स प्ले करती है घर के अंदर, भाई का बेटा है जो कि अपने ही कज़न भाई से थोड़ा जलता है, वो उसकी गद्दी हथियाना चाहता है। तो हर रिश्ते के बीच में खटास मिठास दोनों हैं। इवन जब मोंगा फैमिली जो कि दूसरी फैमिली है जिसमें तीन बेटियां हैं जो हमारे घर में आएंगी, उनके बीच में भी जो रिश्ता हम सब का डेवलप होगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखाया जाएगा और ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ कॉमन स्टोरी जो कि हर घर में जो फैमिली का आपस में सास बहू का या ननद भाभी का या देवर का और उसका वो जो रिश्ता रहता है उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमने शो किया है। और सेकेंडली ये एक पंजाबी बेस्ड शो है, पंजाब का बैकग्राउंड है, so we are I'm looking forward, I'm a Punjabi myself, so this is the first time I'm doing a show which is which has a Punjabi background. Lastly, show kab aa raha hai aur kab dekhne milega sabhi darshakon ko aur naye saal ki badhaiyan sabhi zaroor ye show pehle to main kehna chahunga ki star plus pe mera dusra show hai, pehle show mein bhi mera naam Inderjeet tha, is show mein mera naam Inderpal hai, so I'm looking forward this show teri meri doriyan, ये स्टार प्लस पे 4 जनवरी से शाम को 7 बजे पहला एपिसोड इसका प्रसारित होगा। और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड मिस ना करें, क्योंकि एक बार आपने 2-3 एपिसोड देख लिए तो आप हर रोज़ स्टार प्लस के सामने 7 बजे आके बैठने ही वाले हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा कि आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर पाएंगे। सो It's a humble request to all of you to please don't miss 7 o'clock 4th January on Star Plus Teri Meri Doriyan. और मेरे सभी दर्शकों को, चाहने वालों को, Star Plus के दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करता हूँ कि नया साल आप सब के लिए एक बहुत ही inspiring, एक बहुत ही नए तरीके से आप की ज़िंदगी में खुशी और आपके जो भी आप जिस भी कार्य में आप लोग रत हैं उस वो कार्य में आपको सक्सेस मिले, और यही प्रार्थना है कि नया साल हम सब के लिए खुशियों भरा हो। थैंक यू वेरी मच। हम नहीं चाहते थे कि आप भी इस साल का हो, तो हमने ऑलवेज को कट किया हुआ था ताकि बराबर का रिश्ता लग जाए। ओए बहाने बनाए हार गए तो ओए कंधे साइड। जीतने टीम को क्या मिला, जीतने टीम को क्या मिलेगा, फिर जीतने टीम को क्या मिलने वाला है। अब ये टोरी नहीं पहनते, टोरी हम नहीं पहनते।
कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, तो जो आपके दिल की डोरियाँ हैं किससे जुड़ने वाली हैं वो आपको नहीं पता होता। तो इस शो में जैसे कि आपने ट्रेलर देखा होगा, आपको टाइटल पढ़ के पता चल रहा होगा कि देर इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजन कि कौन किसके लिए बना है, किसकी दिल की जोड़ी किसके साथ बंधी है ना। और जस्ट सस्पेंस तो होना ही चाहिए ना लाइफ में, थोड़ा हमें खुद भी नहीं पता होता हमारे साथ आके क्या होने वाला है नियरेस्ट फ्यूचर में। प्लस यहाँ पे हो रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। मतलब जिस तरह से एक एक डिटेल में काम किया गया है, मतलब हैट्स ऑफ टू द क्रिएटिव्स, क्रिएटिव डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, मतलब डायरेक्टर, इवन आर डायरेक्टर, मतलब कमेंडेबल वर्क। और तेरी मेरी डोरिया नाम में काफ़ी कुछ बता देता है कि तेरी मेरी डोरी किसके साथ मिलती है, किस तरह से मिलती है और किन सर्कमस्टांसिस में मिलती है, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको ये पता चलेगा एंड इट्स अ कम्प्लीट फैमिली शो जहाँ प्यार होगा, रिवेंज होगा बिटवीन ब्रदर्स, वो देखने को मिलेगा। और या दैट्स वॉट TMD is about. #TMD. ये बहुत इम्पोर्टेंट भाइयों का स्वागत है, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, प्लीज़ अपने अपने किरदार के बारे में बताइए। स्टार्ट विद वीर। जी, वीर सिंह ब्रार हूँ मैं, एज आई टोल्ड सिंगर हूँ शो में, और यही मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं हो जाए तो वो हो रहा है। और प्यार से बात करना, जितनी चुपड़ी हरकतों से सबका मन हो लेना, वो मेरे कैरेक्टर का मेन मोटिव अभी तक तो यही है। और आर्ट लवर है, तो जो भी चीज़ एसोसिएटेड होती है आर्ट से उससे मैं भी एसोसिएटेड होता हूँ। तो तीनों बहनों में एक है जो आर्ट लवर है, तो वो कनेक्शन अलग तरीके का। अब डोरियाँ भी अलग अलग तरीके की हैं, सिर्फ प्यार वाली नहीं है, दोस्ती वाली भी है, और एक अलग टाइप की डोरियाँ भी होती हैं, वो भी मिलती रहेंगी। सो ये मेरे कैरेक्टर के बारे में जी, फन लविंग और बड़े भाई का भक्त, छोटे भाई के साथ भी उसकी अच्छी ट्यूनिंग है। सो बाकी लेकिन आपको पता लगेगा आगे। बड़े भाई स्टार्ट करेंगे पहले। सो स्वीट, जैसा ये दिख रहा है अभी वैसा है नहीं शो। इन शॉर्ट माय डिस्क्रिप्शन, माय कैरेक्टर्स नेम इज अंगद सिंह ब्रार। ब्रार फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, थर्ड जनरेशन का, और काफ़ी कम उम्र में उसने अपने जो उसके दादाजी ने बिजनेस शुरू किया था ज्वेलरी का, उसे बहुत आगे ले गया है, यानी ग्लोबली ले गया है। ही लव्स हिम और चाहता है कि वो उनके जैसा बने और उनकी आँखों का तारा हमेशा बना रहे। अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है, ही कैन डू एनीथिंग फॉर देम। बट अगर प्यार की बात करें तो थोड़ा सा कच्चा है उस मामले में, एंड उसका मानना ये है बिकॉज ही इज़ अ बिजनेस माइंडेड पर्सन कि पैसा बहुत पावरफुल है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसा एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको समझ में आती है, जो एक तरह से सही भी है, लेकिन हर जगह ये फंडा जो है वो नहीं चलता है। तो लेट्स सी स्टोरी में क्या होता है, उसकी सोच की वजह से आगे वाले क्या गुगली फेंकते हैं और हम खेल पाते हैं कि नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा कैरेक्टर गैरी बावेचा बहुत डिफरेंट है, इधर हो क्या ऑडिबल ना, तो मेरा कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट है, मतलब जो मैं रियल लाइफ में हूँ, रियल लाइफ में थोड़ा एम्बिवर्ट हूँ, और कैरेक्टर जो है एकदम कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट है, फन लविंग है, लड़कियाँ घुमाना पसंद है, याशी करना पसंद है, लेकिन पैसा नहीं कमाना इसको आता, इसको ये नहीं पता कि हार्डवर्क क्या होता है। रियल लाइफ में ऑब्वियसली मुझे सारी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन मेहनत तो अंगद भाई करेंगे ना, मैं तो इनके पैसों पे ऐश करूँगा। तो ये टाइप का मेरा कैरेक्टर है एंड आई एम लविंग इट, बहुत चैलेंजिंग है और मज़ा आएगा, एक बोर्डम नहीं रहेगा। और अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये मैंने ऑब्जर्व करी, आई एम श्योर सभी ने की होगी, कि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, आप कोई भी ले लेंगे पूरी बड़ी फैमिली में, सब लोग आप नाम लोगे और बिल्कुल सेम है, मतलब क्वालिटी वाइज, बिहेवियरल पैटर्न वाइज, अंगद पाजी मतलब जैसा होने चाहिए, एवरीथिंग राइट, सब सही करना, वो मैं, ऐसे मैं है। थोड़ा हाँ, नहीं मतलब थोड़ा सा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा कहीं हूँ, एकदम ऐसा नहीं हूँ मैं रियल लाइफ में, बट कहीं ना बहुत मेल झोल बैठ जाता है, तालमेल एकदम परफेक्टली बैठा हुआ है। सो द कास्टिंग इज
कहते हैं ना एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू करेक्ट प्लेसेस, वहां हो रहा है, सो वी आर वेरी पॉजिटिव. इवन जो हमारी फैमिली है, मतलब सच गुड एक्टर्स, सच नेचुरल एक्टर्स, मतलब कमेंडेबल. सबसे कुछ सीखने को मिल रहा है एवरी डे. वी आर वेरी ग्लैड कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उनके साथ हम काम करें जिनको बचपन से देखा है, मतलब क्या हुआ वही. यस अगर आपके किरदार के बारे में पूछे, किरदार में जिस किस तरीके की ये लड़की की लाइक क्वालिटी आप पसंद करते हैं कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि मोंगा सिस्टर्स आर लाइक वेरी एक्साइटेड. डोरिया किस तरीके से अंगद एक परफेक्शनिस्ट है, तो उसे एक अपना जो सामने वाला मतलब जो लड़की है उसमें भी यही क्वालिटी चाहिए होगी. ही वॉन्ट्स द परफेक्ट गर्ल फॉर हिमसेल्फ एंड टू गेट हर इन द फैमिली, तो वो उसकी चाहत है. आपकी क्या चाहत है? तो जी मेरे में तो जैसे स्वैग, स्वैग कोई बूढ़ी में थोड़ा स्वैग होना चाहिए, थोड़ी वो अदाएं होनी चाहिए जिसपे गैरी फिसल जाए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है सबके लिए, लेकिन गैरी वो है कि लड़की में एक स्वैग होना चाहिए जो गैरी के अंदर भी है, तो बेसिकली एक वाइब होनी चाहिए. अगर वाइब है तो गैरी विल कॉल. मेरा दिल भी मेरा दिल भी कहीं पे भी फिसलने वालों में से ही है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग में मैं आपको. अरे वो वीर की बात कर रहे हैं. नहीं वीर तो बिल्कुल बहुत अच्छा सा बच्चा है. कम बैक वीर सीधा साधा सा बच्चा है यार. अब उसको किस तरीके की मिलेगी, थोड़ा बहुत हिंट आपको अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो मिल गया होगा, अगर आप समझदार हैं तो, नहीं तो आगे तो मैं नहीं. इट्स ऑलवेज लाइक आप जैसे होते हैं, आप हमेशा चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो भी वैसा हो, तो हम सबकी जैसी सोच है वैसा ही हम चाहते हैं कि होता नहीं है. नहीं होगा इस शो में सब कुछ होगा. आप देखिए हमारा इस शो में सब कुछ होगा. मुझे लगता है कि लुक बहुत मैटर करता है. जैसे मैं एक गैरी मतलब इस आउटफिट में आता हूँ ना, तो आई एम फुल इनटू माय कैरेक्टर. हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत डिफरेंट है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, बहुत आउटगोइंग है, फन लविंग. रियल लाइफ में ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं, लेकिन मैनेज हो जाए सब तरीके उस हिसाब से, तो रियल लाइफ में वैसा है. बट ऑब्वियसली ये था काफ़ी कॉस्ट्यूम. जहाँ तक एज फार एज कॉस्ट्यूम्स आर कंसर्न, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमारे जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, उन्होंने आर्टिस्ट समझ के इतनी आर्टिस्टिक कॉस्ट्यूम्स मेरी करी है ना, एकदम टेढ़ी मेढ़ी. और यही तो फिर हमारे आर्टिस्ट का लालच है ना, कुछ नया करना, डिफरेंट करना एवरी टाइम. मेरे लिए तो सबसे डिफरेंट चीज़ इस शो में है कि आई एम वेयरिंग अ पग, डॉनिंग अ लुक ऑफ अ सरदार. तो वो मेन रीज़न था कि मैंने ये शो किया, बिकॉज एज एन एक्टर मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अलग तरह के शो करूँ, अलग तरह के कैरेक्टर करूँ. इससे ज़्यादा अलग इस वक्त तो नहीं दिख रहा था कुछ, तो आई टुक इट अप एंड आई एम रियली हैप्पी कि जो लुक है ऐसा कह रहे हैं सब लोग कि जच रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी. और इन शॉर्ट यहाँ पर आना था तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है व्हाई आई सेड यस टू द शो एंड नो अदर रीज़न आई हैड टू. तो गाड़ी काफी है, आपने गाड़ी देखी होगी पोर्शा, तो अपना ये बहुत है. आज मेरी गाड़ी में बैठ जा. हाँ जी, आप मैं तो गाना ही गाऊंगा ऑब्वियसली. कुछ तो सुना दीजिए. ये बात तो सही है. देते हैं जितना कमाल का एक्टर है उतना ही कमाल का सिंगर है. ज्यादा भी मत कर देना. तो अच्छा रहियो फिर. मैं खाब जो सजाए सदा तेनू देखिया, वेश के दी पट्ठी विच दिल सेकिया, सब जान के ना बन अनजान सोनिया, मेरी जिंदगी दा तू है अरमान सुनिया. टैलेंट तो है, पूरा टैलेंट. रियाज करता रहे, सीखता रहे. जय बड़े भैया. बेसिकली द स्टोरी इज अबाउट हैव्स एंड हैव नॉट्स. अगर हम बेसिक स्टोरी लाइन पे आए कि एक क्लास अलग है और एक मिडिल क्लास फैमिली है,
सोच में, आइडियोलॉजीज में डिफरेंस है, और वो लोग जब साथ में आते हैं तो क्या रिफ्ट होती है, क्या नहीं होती है, एंड व्हाट शुड बी द रियल ह्यूमन थिंग, क्लास वगैरह को पीछे छोड़ के. आई थिंक दैट इज़ द बेसिक लाइन. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट तेरी मेरी डोरियां, देन इट इज़ अबाउट लव स्टोरी. वो एक USP है. हम आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेकर आ रहे हैं. हमारा शो आ रहा है 4 जैन को, तो ज़रूर देखिएगा. आपको जितनी पार्टी करनी है, क्रिसमस मनानी है, न्यू ईयर पार्टी करनी है, आप कर लीजिए. इसलिए लेकिन हम 4th को आए, उससे पहले आप फ्री हो जाइए ये सब करके, क्योंकि उसके बाद आपको देखना है हमारा शो 7 बजे 4th जैन. वो जी उस स्वैग के चक्कर में थोड़ा मैं रह गया, तो वैसे तो मैं पहनता था, फिर मैं कनाडा गया स्टडीज़ करने, तो वहाँ थोड़ा फैशन था, फैशन को फॉलो करते हुए मैंने जो है टर्बन मुझे नहीं पहनी मैंने. और एक्चुअली ही इज आवर कज़िन, और ब्रार नहीं, ये बवेजा है, बवेजा हूं. ये बुआ के लड़के हैं, तो ही इज नॉट अ सिख, राइट? या तो ही इज अ पंजाबी मुंडा, गबरू. भाई गुड मॉर्निंग, लेट आ तुम यार. कर ले, बाद में ये सब कर लेंगे हम लोग. प्लीज शुरू करो ना, शुरू करो. वो इधर आएंगे. ब्रार फैमिली की 3rd जनरेशन का सबसे बड़ा बेटा. मैं एक बिजनेसमैन हूं, और मेरी एक सोच है कि दुनिया में एक जबान है जो सबको समझ में आती है, और वो जबान है पैसे की जबान. वो है मेरा बिजनेस माइंडेड सोच, लेकिन मेरे दिल में मेरी फैमिली के लिए बहुत सारा प्यार है. और मेरी फैमिली के ये गबरू मुंडे हैं मेरे भाई, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. मेरा मुझे नाम भी काफी है, कैरी बावेजा. वो कैरा स्वैग है, चढ़ता यू नो स्वैग है. और मेरा नाम है वीर. जैसे भैया के लिए पैसे की जुबान चलती है, मेरे लिए प्यार की जुबान चलती है. और मुझे पसंद है सबसे ज्यादा गाना, और गाना गा के सबका मूड ठीक करता रहता हूँ बस. सो वी आर द ब्रार ब्रदर्स, और अब टाइम है बुलाने का मोंगा सिस्टर्स को. सो मोंगा सिस्टर्स प्लीज बी ऑन स्टेज. सत श्री अकाल जी सारियां नूं. मैं हूँ साहिबा कौर मोंगा, मोंगा परिवार की मंझली बेटी. मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो मुझे मेरे प्यारे पापा जी ने सिखाया. सत श्री अकाल जी, मैं हूँ सीरत कौर मोंगा, सबसे बड़ी बेटी हूँ, लेकिन नखरे भी सबसे बड़े हैं. मुझे लगता है हर वो इंसान जो खूबसूरत है, उसे कुछ काम वाम करने की ज़रूरत नहीं है. दुनिया है ना उसके लिए, काम करने के लिए. हाँ नहीं तो. सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है कीरत, और मेरा सिर्फ नाम ही काफ़ी है, बाकी आप देख लें. जी ट्रेलर आपने हमारे बिना ही देख लिया.
फिर से दिखा दे, दोबारा लगा दो। We start. Ready? All right, तो आप सबने देख लिया हमारा टीजर, आपने देख लिया? हाँ जी। तो that's तेरी मेरी डोरियां, अब देखते हैं किसकी डोरी किसके साथ बनती है, और उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा शो आए उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरत है हमें प्यार की, आशीर्वाद की, जो हमें मिलेगा हमारी फैमिली से। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द ब्रार फैमिली। उसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज लुधियाना की शान मिस्टर अकाल सिंह ब्रार, हमारे तार की। और इनके साथ इनके दिल की धड़कन जपजोत कौर ब्रार, ये हमारी फैमिली के लव बर्ड्स हैं, बचपन से प्यार करते हैं एक दूसरे को और इस फैमिली को साथ में रखा हुआ है इन्हें। लेट मी कॉल अपॉन स्टेज नाउ माय फादर मिस्टर इंद्रपाल ब्रार, द एल्डेस्ट सन ऑफ द ब्रार फैमिली, एंड माय स्वीट मदर द क्लासी वन मनदीप कौर ब्रार, कुछ तुम भी कर लो यार। और मेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स आई नो जसलीन जी, और मेरी क्यूट सी सिस्टर क्यारा। और अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने मम्मी पापा और बहन को, तो जसपाल सिंह ब्रार आ जाइए। कितने लोग और हैं? और मेरी मम्मी जी गुरलीन जी आइए, एंड माय ब्यूटीफुल सिस्टर एकम। रुको रुको अभी और, हमारी सबसे चुलबुली जो बुआ है मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा स्टेज पर, प्रभजोत कौर और उनके हस्बैंड हंसराज संधू। और हम सबकी आंखों का तारा हमारा प्यारा प्रिंस, आ जा हीरो का शो। अरे ये लोग नजर लगा रहे हैं क्या? हो गया हो गया हो गया, तुम भी बुला लो। बुला रहे हैं बुला रहे हैं। ए, थोड़ा सा प्लीज। हमारे दिलों में जगह बहुत है साहिबा जी। चलो अब अपनी बारी। अगर आपकी एक छोटी सी फैमिली का इंट्रोडक्शन हो गया हो तो हम अपनी बड़ी सी फैमिली को बुला लें। जी आया नहीं। जी आया जी, जी। तो मैं बुलाती हूँ अपने प्यारे से पापा जी को, अजीत सिंह मोंगा। मम्मी यार छेती छेती आ जाओ, वैसे ही यहाँ जगह कम है, आओ जल्दी। जम्मू वाले दे थोड़ा सा जी, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा जी, एक्सक्यूज, थोड़ा सा जी मैम, चुप कर तू, चुप कर। आ जाओ जी। मायसेल्फ संतोष, संतोष कौर मोंगा, मायसेल्फ सीरत दी मम्मी, और चुप करो, चुप के सामने, और साहिबा मेरी बेटी और कीरत दी। तो कुछ हाँ जी, तो हम हैं जी मोंगा। मम्मी और तो बोलते तो बुला दो, एक बोलते आजा तू आना, तो भूली। हेलो। हाँ जी तो हाय, मैं जीत हूँ और मैं काफी, इतना काफी बस कर जी। हाँ जी मेरा तो सत श्री अकाल, बस इतना ही हो गया इनका, बस जी। हम थोड़े हैं पर आप सब पर
वो तो आगे देखेंगे जब शो सब लोग देखेंगे देन एवरीबॉडी विल नो एंड सो फ्रेंड्स आपने आप हम सबसे रूबरू हो लिए और लेकिन अभी हमको छोटे पर्दे यानी स्टार प्लस के स्क्रीन के ऊपर देखने का मौका आपको मिलेगा बस कुछ दिनों के बाद यानी कि 4 जनवरी से हमारा ये शो तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस पे रिलीज हो रहा है तो प्लीज देखना ना भूलें और हम सब की आपस में जो इक्वेशन है वो हेट लव हेट रिलेशनशिप मैं मोना क्यों हूँ मैं सिख के गेटअप में क्यों नहीं हूँ हमारे वाइफ के साथ मेरी प्यारी धर्म पत्नी के साथ मेरा क्या रिश्ता है मेरे दारजी के साथ मेरा क्या रिश्ता है बेटे के साथ हम सबका आपस में क्या रिश्ता है ये सब देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा यानी 4 जनवरी तक थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच शाम को 7 बजे थैंक यू जी कोई नहीं हम आपकी गलतियों को सुधारते रहेंगे गलती का मौका ही नहीं देंगे देखते हैं पता चलेगा हो गया चलो चलो थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस हाय गाइस गुड टू सी यू ऑल काफी चेहरे तो जाने पहचाने लग रहे हैं सो वी कैन स्टार्ट द प्रेस कॉन नाउ एक माइक उन्हें दे दीजिए हेलो So, hi guys, congratulations for the new show, first of all. And आप लोगों से मेरा सवाल यही है कि ये जो डोरिया नया शो है प्रोमो में काफ़ी अलग चीज़ें देखने को मिले तो आपके कैरेक्टर्स किस तरीके के और ज़्यादा हमें देखने मिलेंगे शो के थ्रू आउट जी हाँ ये जो आपने अभी रैप देखा जो प्रमोशनल सॉन्ग देखा उसमें कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया होगा कि सबके कैरेक्टर्स क्या हैं सो हम एक एक करके बता भी देते हैं अपनी तरफ से मैं ब्रार फैमिली की 3rd जनरेशन का सबसे बड़ा बेटा हूँ अंगद सिंह ब्रार जिसने अपने दादाजी की ज्वेलरी के बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ाया है ग्लोबली लेकर गया है एंड बिजनेस है जो उसके दिमाग में बहुत चलता है ही थिंक्स दैट मनी कैन बाय एवरीथिंग मनी इज़ अ लैंग्वेज जो सबको समझ में आती है बट एट द सेम टाइम अगर हम घर की बात करें तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करता है अपने दारजी से बहुत प्यार करता है उनके जैसा बनना चाहता है उनकी आंखों में हमेशा अच्छा दिखना चाहता है हर फैमिली की तरह इस फैमिली में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो डिसफंक्शनल तो नहीं कह सकते हम लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन इन द एंड सब लोग एक साथ हैं तो कैसे एक दूसरे में प्यार है ये उसकी भी कहानी है और दूसरा ये कि आगे आपको बताएंगी जब ये अपने कैरेक्टर्स बताएंगे जब सब बताएंगे आपको पता चलेगा कि स्टोरी आगे कैसे मूव करती है तो जी मेरा क्या तो जी मेरा जो कैरेक्टर है वो है गैरी बावेजा काफी हेलो 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 तो जी मेरा कैरेक्टर है जो वो है गैरी बावेजा आई एम नॉट द ब्रार तो मेरा कैरेक्टर बहुत ऑपोजिट है जो मैं रियल लाइफ में हूँ रियल लाइफ में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो नहीं आउट से एम्बिवर्ट हूँ और ये जो कैरेक्टर है एकदम एक्सट्रोवर्ट है इसे फन करना पसंद है कुड़ियाँ घुमाना पसंद है याशी इस टाइप का इंसान है पैसा कमाने का इसको आइडिया नहीं है कि कैसे कमाया जाता है लेकिन ये जानता है कि हाँ याशी ऐसे होती है रियल लाइफ में थोड़ा वैसा नहीं हूँ ऑब्वियसली थोड़ा ये चीज़ें पसंद है लेकिन मेहनत करने के बाद हाँ मेहनत भी बहुत ज़रूरी है पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है तो इस टाइप का मेरा कैरेक्टर है बहुत फन लविंग है और बहुत मज़ा आ रहा है आप जैसे मेरा आउटफिट भी देख सकते हो पियर्सिंग है टैटू है पीछे भी बैक पे भी लव हैंडल्स पे भी तो आई एम लविंग दिस और काफ़ी चैलेंजिंग है और मुझे ऐसा ही करना था ऑब्वियसली चैलेंज अगर कैरेक्टर में होगा तो भी मज़ा आएगा नहीं तो एक बोर्डम हो जाता है बहुत तो आई एम लविंग इट
हाँ जी, तो जैसा मैंने बताया कि मेरा नाम वीर है शो में, और पता है कुछ कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करता था मैं। सबसे पहली बात तो वीर नाम से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था। काफ़ी सालों से अपने घर में मैं बोलता था कि मेरे को वीर नाम रख दो, जतन से वीर कर दो, और मुझे वीर का शो मिल गया। और दूसरी बात, वो और भी दिल की मेरे बहुत करीब थी, तो है वो है सिंगिंग। तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं ऑडियंस को कैसे से कैसे अपना ही छोटा सा जितना भी टैलेंट है दिखा पाऊँ, और यहाँ तो बल्ले बल्ले ही हो गई। यहाँ मुझे गाने गाने को मिल रहा है, नाचने को मिल रहा है। तो वीर सिंह ब्रार आर्ट लवर है, जो भी आर्ट से कनेक्टेड चीज़ होती है, उससे एसोसिएटेड चीज़ होती है, वो मेरे दिल के ऑटोमेटिकली करीब हो जाती है। तो जहाँ तक डोरियों का सवाल है, तो कौन सी कैसी किसके डोरियों से कनेक्ट होगी, वो तो आपको धीरे धीरे ही पता चलेगा। और बाकी बड़े भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम है मेरे लिए, और मैं उनके पीछे लक्ष्मण बन के घूमता रहता हूँ जहाँ हो जाते हैं। और बाकी घर वालों के साथ सबसे अटैच्ड है। और सो यार, दैट्स अबाउट इट। विजेंद्र, अगर डायलेक्ट की बात करें या लैंग्वेज का एक्सेंट, पंजाबी हूँ तो, एंड वी आर डूइंग हिंदी शो, तो इट्स नॉट दैट पूरी पंजाबी बोल रहे हैं, बट या वो जो थोड़ा बहुत डायलेक्ट होता है वो तो इनबिल्ट है ही। पहले ये ट्राई करना पड़ता था कि ये ना आए डायलॉग्स में, अब कोई टेंशन ही नहीं है। अगर बात करो यूएस पे, ये तो क्या सोच के आपने मतलब ये शो को, हाँ क्या कौन सा ऐसा इंस्टिंक्ट आप लोगों को लगा कि लाइक यस दिस इज समथिंग डिफरेंट व्हिच आई वांट टू डू? आप सबसे ये सवाल। जब मुझे पता चला कि इस शो में जो कैरेक्टर है वो सिख है, तो मैंने पहले ऐसा कभी किया नहीं है, तो आई वॉन्टेड टू डू दिस। तो मैंने, एक वजह वो थी, दूसरी ये कि स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी मुझे जब ब्रीफिंग मिली, सो इतने ज़्यादा रीजंस नहीं चाहिए थे। पिछला शो ख़त्म हुआ था, दूसरा मिल गया, आई टुक इट अप। लेट देम इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोंगा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी सीरत कौर मोंगा। सबसे बड़ी है ये, लेकिन इसकी हरकतें बड़ों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इमेच्योर है, उसको लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन लोगों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाती है। शुरू से ही एक हाई फाई लाइफ और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और लंबी लंबी गाड़ियों में घूमना, ये सब चीज़ें उसे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो कि उसके बस की बात नहीं है। और उसको ये भी लगता है कि मैं तो खूबसूरत हूँ, मैं क्यों ये सब चीज़ें करूँ, और लोग हैं मेरे लिए ये सब चीज़ें करने के लिए। और अब तक उसके साथ जो भी हुआ है लाइफ में वो ऐसा ही हुआ है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सब कुछ या तो उसकी मम्मी ने या फिर उसके बॉयफ्रेंड्स ने उसको लाके दिया भी है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में। उसको लगता है कि सब चीज़ें जैसा वो चाहती है उसकी लाइफ में ऐसे ही होती जाएंगी। लेकिन उसका वीक पॉइंट है कि वो मैनिपुलेट हो जाती है, तो कैसे हमारी स्टोरी में वो एक मैनिपुलेशन की वजह से उसका पूरा लाइफ चेंज हो जाती है, इसी के बारे में है। वो आपको आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि रियल लाइफ में मैं ऐसी नहीं हूँ। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, एंड मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से ही होता है। तो देखते हैं स्टोरी कैसे जाती है, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। हेलो, मेरा सवाल आप सबसे है, लोकेशन क्या यूज़ किया गया है और शूटिंग के लिए कहाँ स्पेशली आप लोग गए थे, एंड वहाँ पे क्या कुछ आपने एक्सप्लोर किया? हम लोगों ने आउटडोर शूट किया था, हम लोग पंजाब गए थे, चंडीगढ़ गए थे शूट के लिए। कुछ पार्ट है जो कि हमने वहाँ भी शूट किया है, लेकिन हम लोग का सेटअप है जो यहीं पर लगा हुआ है। एक्चुअली साहिबा कौर मोंगा जो है वो एक आर्टिस्ट है, और जितनी अच्छी वो आर्टिस्ट है उतनी ही बुरी आर्टिस्ट मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ। तो मुझे आर्ट का ए भी नहीं आता है, बट थैंकफुली इस कैरेक्टर में मुझे परफॉर्म करने से पहले सिखाया जाता है। जैसे हमने लुधियाना में हमारा एक सीक्वेंस था जिसमें हम पोट्री मेकिंग कर रहे थे, तो जैसे आजकल तो क्या होता है जब हम पॉट बनाते हैं तो उस व्हील पे ना एक मोटर लगा दी जाती है जिससे पर्सन इजीली मड रख के इजीली पॉट्स बना लेते हैं। बट हम एस्थेटिक्स में घुसे और हमने उसको जो बहुत बड़ा ही वो व्हील था सीमेंट का था, बहुत हैवी था, तो उसको हमें स्टिक से उसको रोटेट करना था। तो वो मैंने पहले बैठकर सीखा, उसकी वजह से 2-3 बार अपने आप को मारा लगी मुझे उसकी वजह से, बट उसकी वजह से मुझे थैंकफुली पॉट थोड़ा बहुत तो बनाना आ गया। तो साहिबा की वजह से मैं रियल लाइफ में थोड़ी बेटर हो रही हूँ एज एन आर्टिस्ट।
हेलो एवरीवन, मैं कीरत कौर मोंगा हूँ और इस कैरेक्टर को मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया है बिकॉज दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, जिसमें द गर्ल इज एक्चुअली डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स. एंड इस कैरेक्टर ने जितनी चीज़ें मुझे सिखाई हैं उतना मैं रियल लाइफ में बिल्कुल अपोजिट हूँ. मैंने जिम नहीं किया, कभी वेट्स नहीं उठाए, कभी मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं वो कर सकती हूँ बिकॉज मैं रियल लाइफ में एक योगा पर्सन हूँ और यहाँ पे मुझे 25 किलो का हथौड़ा उठाना है और उसे मारना है या मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है. सो दिस इज समथिंग विच इज गिविंग मी स्ट्रेंथ एंड मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर. सो आई एम रियली रियली हैप्पी विद द कैरेक्टर. एंड कीरत का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली घर की सबसे छोटी बेटी है और अपनी बड़ी बहन की सबसे लाडली भी है. एंड कीरत अपनी बड़ी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपनी सबसे बड़ी बहन को भी करती है, मगर शी इज़ लाइक अ भाई बहन का जो रिश्ता नहीं होता जिसमें लेग पुलिंग होती है. सो ऑल द टाइम यू विल सी कि कीरत जो है वो अपनी सबसे बड़ी बहन की हमेशा टांग खींचती रहती है और वो उनको प्यार से एक नाम भी दे रखा है, सिंडी बेबी. सो कीरत अपनी सबसे बड़ी बहन को सिंडी बेबी बुलाती है और पापा से बहुत अच्छा रिश्ता है कीरत का, पापा को भी बहुत प्यार करती है. मम्मी से यह है कि मम्मी की जो चाहते हैं वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा ऊपर है, तो मम्मी से ऐसे कई बार वो परेशान हो जाती है कि यार मम्मी क्या कर रहे हो आप. और मम्मी का जो रिश्ता है वो एकदम माँ बेटी का नहीं है, बेटा होना है, होता है ना घर का, उसका ही चपेट मार देनी है, कभी भी कुछ भी कह देना है, कहीं भी खींच के ले जाना है. सो शी लव्स हर मदर एज वेल. दिस रिलेशनशिप इज समथिंग रियल डिफरेंट यू विल सी ऑन स्क्रीन. सो आई एम एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड विद कैरेक्टर. एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज रियल यंग आई वाज लाइक 6 years ओल्ड, दैट टाइम आई मैनिफेस्टेड टू वर्क विद स्टार प्लस. And I'm so, so, so blessed that I got a chance to work with such great actors because I've seen them all on TV and I used to think, oh my God, one day I really want to work with them. So it's a blessing to me. Thank you, everyone. Thank you so much, Mama. Thank you. Thank you, Star Plus. Thank you. That's it. Yeah. हेलो हेलो हेलो. हाँ, इतने सारे ब्यूटीफुल फेसेस देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. ये मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना एक्साइटिंग ये होने वाला है और कितनी मजबूत होने वाली है ये डोरियां. और बहुत सारे ब्यूटीफुल फेसेस देखे तो मैं बोला ये सवाल पूछना जरूरी है और बल्क में ब्यूटी देख रहा हूँ मैं. अब थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. पर किसकी डोरी किसके साथ बंधे पहले ये हमें पता चल जाए, फिर पता चलेगा कि कितनी मजबूत होती है. वो उस पर डिपेंड करता है सही जगह पे टाका भिड़ रहा है कि नहीं. सो मेरे तो ये विचार है. आप लोग क्या कहते हैं, जैसे आपने बल्क में ब्यूटी देखी ऐसी बल्क में टीआरपी भी थोड़ा तो ही मजा है ना. इतनी ब्यूटी है, इतने ब्यूटीफुल हमारा परिवार है उधर है, तो टीआरपी थोड़ा 7 बजे बस लग जाना चाहिए, उसके बाद सब कर लेना. मुझे पता है, I'm not hoping कि audience will like it or not. I am very sure that audience gonna love it. Actually, हमारी already hopes इतने high हो चुके हैं, so we are very much confident कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. और जहाँ तक डोरियों की बात है, इतनी सारी डोरियाँ क्यों इधर से अभी मिलाना है, लगे रहे ना इधर उधर इधर क्रिस क्रॉस होते होते मजे लो. Questions? Hi, this is Roshni from Aaj Tak. क्योंकि दोनों परिवार यहाँ पर है, हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि कौन से परिवार है जो किस पे कौन सा भारी पड़ने वाला है. हम ही भारी होने वाले हैं ऑब्वियसली. मिडिल क्लास लोग ना हर जगह एडजस्ट करते हैं और वो सब जगह में एडजस्ट करके ना कर ही लेते हैं. अमीर लोगों को गरीब घर में पहुँचाओगे ना वो कर नहीं पाएंगे, बट गरीब लोगों को अमीर घर में पहुँचाओ वो छा जाएंगे. हम बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे. मतलब ये चाहते हैं गरीब घर में आना, क्योंकि करके दिखाना चाहते हैं. तुम चाहती हो अमीर घर में आना. हम तुम्हारे घर में आके तुम्हारी बैंड बजाएंगे. ना अमीर घर में आना चाहते हैं. और हम तो बैंड बजवाना चाहते हैं. आ जाओ आ जाओ, हमारे दिल बहुत बड़े खुले हैं तुम तीनों के लिए. आ जाओ. कोई
मोंगा परिवार के आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि इनके परिवार का साइज थोड़ा बड़ा सा है आप उनसे कम्पीट कर पाएंगी? ये बड़ा आपने हमारी मम्मी और पापा को नहीं देखा? हमारी मम्मी सब पे भारी है, वो अकेली काफी, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनके लिए। अभी अभी हमसे पाला पड़ा नहीं है ना। तो आ जाओ जी मैदान में 7 बजे 7 बजे 4 जनवरी को स्टार प्लस देखने के लिए आप बस 7 बजे स्टार प्लस पे लगे रहिए और देख लीजिए कि मोंगा परिवार भारी है या फिर ब्रार, क्योंकि हमें तो पता ही कौन भारी है, आपको जानना है अभी। देखो, मोंगा परिवार, ब्रार परिवार, सब रख चोला। क्या बात है? सुना आपने आंसर, ऐसी हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है। अच्छा ठीक है यार, है तो हम हिस्सा सब ऑफ स्टार परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऑलराइट, रैप सॉन्ग जो है इट्स लाइक यू नो इट्स वेरी न्यू फॉर अ इंडियन टेलीविजन थिंग, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत नया है, आई मीन फॉर अ लव स्टोरी स्पेशली। फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है ये इंडियन टेलीविजन पे, सो ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है, वाइब अच्छी है, बोल अच्छे हैं, स्टोरी बता रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है कि सबके कैरेक्टर्स क्या हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो टेलीविज़न एक इतना बड़ा मीडियम है जहाँ पे ये सब एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, और मुझे लगता है कि बिल्कुल करेक्ट तरीका है ये आगे बढ़ने का। Yeah, we loved it. It was a new idea. और normally promos जैसे होते हैं कि scene की तरह with a VO या कुछ आप कहानी को बताते हैं कि ऐसा है, इन इन किरदारों की ये है कहानी वगैरह वगैरह, but इसने पूरी vibe ही change कर दी, so it's enjoyable also at the same time. So हमारे दोनों चीज़ें हो गई, ये promotion भी, और it was fun shooting this also. Thanks. Thank you. Done. Thank you guys. Thank you so much. We are doing a tug of war between the Brars and the Mongas now. Everybody. So let's see who wins. ऐसे जरूरत नहीं करने की यार, जरूरत नहीं करने की। आ जाओ कोई साफ दिख रहा है, हम ही जीतते हैं। हमारी आधी फैमिली भी काफी है। मम्मी आ जाओ। हमारे दादा जी आ गए। As always. अच्छा जी।